ये देखो भाई भोजपुरी के सुपरस्टार काजल राघवानी और इनके फैन देखो भाई कितने सारे लोग यहाँ पे देखो सेल्फी ले रहे हैं भाई। ओ भाई सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ना बस्ती में एक है भाई बहादुरपुर, आप सभी को पता होगा हो सकता है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। उस जो बहादुरपुर है ना वहाँ पे एक बहुत पुराना हवेली है, ठीक है, करीब होगा 125 साल पुराना। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ना वो जो महल है भाई 125 साल पुराना, ठीक है। दोस्तों वहाँ पे ना भोजपुरी फिल्म का शूटिंग होता है, आई थिंक कि वहाँ पे 15 से 20 फिल्म का शूटिंग हो गया होगा, और दोस्तों अभी भी वहाँ पे फिल्म का शूटिंग हो रहा है भोजपुरी, ठीक है। और सुनने में आया कि फिल्म का नाम है भाई एक दिन का सास। और दोस्तों इस फिल्म में कौन कौन से अभिनेताओं आने वाले हैं? दोस्तों भोजपुरी के सबसे सुपरस्टार आप सभी को पता होगा काजल राघवानी यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके साथ में अभी आने वाले हैं रवि किशन और भाई निरहुआ, ठीक है, दिनेश लाल यादव, इतने फेमस फेमस स्टार यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलो वहीं पे चल के आप सभी को दिखाते हैं कौन इस समय आ गया है और कौन आने वाले हैं, वहाँ पे चल के सारा बात होगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि भोजपुरी फिल्म का शूटिंग कैसे होता है। तो चलो वहीं पे चल के आप सभी से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं बहादुरपुर पहुंच चुका हूं। आप लोग देख सकते हो कितना सारा यहां पे भीड़ लगा हुआ है, फिल्म की शूटिंग की तैयारी चल रहा है। और आप सभी को मैं दिखा दूं यार, पीछे यहां पे देखो हमारे सर हैं, यहां पे देखो इतने सारे बच्चे यहां पे जुटे हुए हैं, यहां पे इंटरव्यू हो रहा है, ये पूछ रहे हैं कि फिल्म का शूटिंग कब होगा, कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, और अभी जिसका मकान है उनसे हम लोग बात करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और फिर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, कौन कौन से हीरो हैं, तो अभी बात करके फिर आप लोगों को बताते हैं। सर इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, बताओ। हाय दोस्तों, सबको प्रणाम। आज हमारे पैतृक आवास पे लगभग 4 दिन से पिक्चर की शूटिंग हो रही भोजपुरी की, एक दिन की सास, इसमें जो है मुख्य कलाकार में जय यादव जी हैं और नायिका हैं काजल राघवानी जी, और इनके साथ दिनेश लाल यादव जी भी हैं जो बीच में भी एक आध हफ्ते में आएंगे, और रवि किशन जी भी है, संतोष श्रीवास्तव जी है, किरण यादव जी हैं जो अक्सर हीरो की माँ बना करती हैं, बड़े अच्छे अच्छे जो है इसमें हैं, और हीरा लाल यादव जी भी हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ये पारिवारिक उसको लेते हुए पिक्चर ये लोग बना रहे हैं। पिक्चर के डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर साहब, और अक्सर इस समय अंदर ही शूटिंग हो रही, बच्चे बाहर खड़े हैं अंदर। हाँ, असल में इनकी कहानी कमरों के अंदर ये लगातार पूरे पूरे दिन पूरी रात मतलब जो भी करते हैं तो कमरों के अंदर अभी निपटा रहे हैं, क्योंकि बाकी मुख्य कलाकार और इनके आए नहीं हैं, इस नाते बाहर के दृश्य को अभी ये रोके हुए हैं। बाकी काफ़ी 25-25 दिन की शूटिंग है, बाकी अब आपके क्षेत्र में हाँ जलालपुर में होगा, नूरचक में होगा, आपके ब्लॉक हॉस्पिटल पे होगा, कलवारी में कुछ होगा, और कुछ नगर में है जो है वहाँ भी होना है। जी शेड्यूल ये लोग बना रखे हैं पहले, यानी बच्चे जो है पेशेंस रखे, देखने को मिलेगा। जी जी जी, अवश्य देखने को मिलेगा, और काम करने के लिए भी जो बच्चे इच्छुक हों तो इसमें आ रहे हैं संतोष श्रीवास्तव जी, हम उनसे रिकमेंड करेंगे कि कुछ इस तरह का जैसे और कॉलेज होते हैं पढ़ाई लिखाई के, तो नायक नायिका बनने के लिए भी बात हुई थी, तो उस पर हमारा विशेष वो है कि बच्चे जो है बढ़ सके जो इस क्षेत्र में जाना चाहें, यानी नए बच्चों को भी फिल्म में लिया जाएगा। जी बिल्कुल लिया जाएगा, कुछ उसमें हम भी छोटा मोटा रोल कर लेते हैं तमाम पिक्चरों में, तो इससे जो है एक भटक खुलता है समाज में बोलने का वो होता है, बाकी तो जो है कोई कहीं सीख के नहीं आता है, देखते करते सब आ जाता है। यानी यहाँ के बच्चे पेशेंस रखे फिल्म मिलेगा देखे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य मिलेगा, और बड़ी अच्छी फिल्म है, कॉमेडी भी है और काफी बीच बीच में हंसी का है, ऐसा नहीं है, पारिवारिक कहानी को फिर बातें करते रहेंगे आप। धन्यवाद धन्यवाद, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों मैं छत पे आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे शूटिंग देखने आए हैं, अभी शूटिंग की तैयारी हो रही है, और ऊपर मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे देखो अभी लाइटिंग वाइटिंग लग रहा है, इधर भी लग रहा है, और अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है भाई एक दिन की सास, यहाँ पे ये रखा हुआ है आप लोग देख सकते हो,
और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो भाई पता नहीं कौन सा हीरोइन है। तो चलो देखते हैं, इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, एक तो अंधेरा है यहाँ पे देख सकते हो सकता है भाई काजल राघवानी हो इसलिए भीड़ लगा हुआ सब लोग देखने के लिए। तो यहाँ पे लाइट पहले मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो भाई, ओ भाई ये तो काजल राघवानी नहीं लग रही है। बाकी आप लोग अगर पहचान रहे हो भाई ये कौन सा हीरोइन है तो कमेंट करके बता देना। और इधर देखो भाई, ये देखो काजल राघवानी नहीं है, ये देखो नहीं है भाई, ये और ये देखो भाई भीड़ कितना सारा, सब लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। तो ये काजल राघवानी नहीं है, ये उनके साथ में कोई दूसरे हीरोइन है ऐसा बोल रहे हैं कि जो इनके साथ में इनके बहन का काम करने वाले हैं वो ये है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा भीड़ लगा हुआ है, मैं समझे यार काजल राघवानी है, मैं उनसे मिल लूंगा आज। तो फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ भाई। मैं कल जब वहाँ पे गया था ना बहादुरपुर में, नाइट 10 बजे तक था, ठीक है 10 बजे के बाद में मैं वापस चला आया हूँ। और दोस्तों आप सभी को बता दूँ यार फिल्म का शूटिंग भाई इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है ना, कल मैं देख लिया भाई 5 मिनट का सीन लेने के लिए भाई 5 घंटे लगा दिए, एक ही सीन को बार बार कर रहे थे, जब तक एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक दोस्तों सीन को आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है 5 बार एक ही सीन को किए और करीब 5 घंटा लग गया फिर से सेटअप वटअप करके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को देखना है ना कि भोजपुरी फिल्म का शूटिंग कैसा है तो मैं रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ, मैं आप लोगों को वो वीडियो कल दिखा दूंगा, ठीक है कल के ब्लॉग में आएगा, इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों ये ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है तो मैं कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगा भोजपुरी फिल्म का शूटिंग कैसे होता है, तो मिस मत करना वो वीडियो देख लेना, ठीक है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा भोजपुरी फिल्म का शूटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।